आदमी को कुव्वते परवाज देती है, मोहब्बत आदमी को जीने का अंदाज। हाँ बस यही तो चाहता हूं मैं, यही चाहता हूं कि मोहब्बत आदमी को कुव्वते परवाज देती है, मोहब्बत आदमी को जीने का अंदाज देती है। मोहब्बत रहमतुल लिल आलमी है और कुरान भी। तवज्जो हो, मोहब्बत रहमतुल लिल आलमी है और कुरान भी। मोहब्बत अर्शे आजम का है जीना और ईमा भी। मोहब्बत के खजाने कम नहीं होते लुटाने से, मोहब्बत की किरण फूटी मोहम्मद के घराने से। अभी एक मिनट यार, अभी आवाज आ रही थी चांद कादी साहब गरम गांव कौन कह रहे थे, एक बार और। अरे मेरे भाइयों, इस गरम गरम ने ही तो कव्वाली की ऐसी तैसी की है। आजकल सच बात यह है कि सुनने वाले रहे कहां हैं, ना सुनाने वाले और ना सुनने वाले, बस वही रह गया धत्तड़ा 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 धा। ना सुर ना लय ना ताल ना मिसरे ना अदायगी, कुछ भी तो नहीं है। इसीलिए तो मैं सबकी नजरों में बुरा हूं। बहुत से तो कव्वाल भी बुराई करते हैं मेरी कि ये आदमी बहुत बोलता है स्टेज पर। इसीलिए तो एक वीडियो देखी होगी मेरी, वायरल हुई थी, देखी थी ना। असल में जिन लोगों ने ये काम किया है, और चांद कादरी जिस मकाम पे आज गाता है, इसके लिए पार्लियामेंट राज्यसभा ये सभा वो सभा कोई बड़ी बात नहीं है, वहां पहुंचना आसान नहीं है। इसीलिए तो लोगों को आग लगती है। जरा मिसरे सुनना, मिसरे क्या सुना रहा हूं मैं, जरा सुने। आपके मोहब्बत आदमी को कुव्वते परवाज देती है, मोहब्बत आदमी को जीने का अंदाज देती है, मोहब्बत रहमतुल लिल आलमी है और कुरान भी। मोहब्बत अर्शे आजम का है जीना और ईमा भी। मोहब्बत के खजाने कम नहीं होते लुटाने से, मोहब्बत की किरण फूटी मोहम्मद के घराने से। मोहब्बत में अली के लाल ने सर को कटाया है। सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। गजल सुना रहा हूं, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। सुने आप, कहां कैसे लेकर जा रहा हूं, जरा सुने तो आप कि मोहब्बत में अली के लाल ने सर को कटाया है। मोहब्बत में अली के लाल ने घर को लुटाया है। मोहब्बत का सबक हमको मिला कुरान अकदस से। मोहब्बत का सबक हमको मिला, मोहब्बत का सबक हमको नबी की जाते मुकद्दस से। मोहब्बत जिसको कहते हैं मुसलमान है ना हिंदू है, मोहब्बत एक गुलिस्ता है, मोहब्बत एक खुशबू है। तोड़ कर दिल मेरा जा रहे हो, लौट कर तुमको आना पड़ेगा।
भाई की बात सुनने दे यार। हाँ देखो एक बात बोलूं, मैं जो गजल सुना रहा हूँ ना वो ठीक है, सुनाऊंगा वो ठीक है, लेकिन एक बात सुनो। नहीं नहीं भाई, बात मेरी बात सुनना, मैं रियल में कह रहा हूँ। लो एक मिनट, देखो ये रखा, अल्लाह रसूल की कसम, मुझे कसमें नहीं खानी चाहिए, और फनकार के लिए इससे बड़ी बेइज्जती वाली बात कोई नहीं होगी। नहीं मतलब अगर अच्छा ना लगे ईमानदारी से ले जाना, वरना इसका 3 गुना मुझको देके चले जाना बस। लेकिन आप नहीं, आपको जाना नहीं, आप यहीं खड़े रहेंगे। नहीं नहीं आप यहीं खड़े रहेंगे, आप सुनो, देखो मतलब सुनना आप के तोड़ कर दिल मेरा जा रहे। इंशाल्लाह के तोड़ कर दिल मेरा जा रहे हो, तोड़ कर दिल मेरा जा रहे हो, तोड़ कर दिल मेरा जा रहे हो। लौट कर तुमको आना पड़ेगा, ये मोहब्बत कि ये मोहब्बत कपा की जरिशिता, जिंदगी भर निभाना पड़ेगा।
शेर के टूट कर टूट कर टूट कर मैंने चाहा था जिनको मुझसे कतरा के जाने लगे हैं। टूट कर मैंने चाहा था जिनको मुझसे कतरा के जाने लगे हैं। अच्छा मेरे भाई आप बुरा मत मानना, एक बात आपसे पूछूं मैं, कहो तो पूछूं, पूछूं आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? हक ईमान से तराओ बिल्कुल, मेरा बेटा इतना ही बड़ा है। देखो मैंने लताफत साहब को कहा, बहुत सीनियर आर्टिस्ट है मैं जानता हूं, आप भी जानते हो, पर मैंने रोक दिया। मैंने कहा उसका बिल्कुल दिल तोड़ना मत, और तुम इंशाल्लाह अच्छा अच्छा रहो, हमेशा अच्छे रहोगे और बड़े ऑपरेटर बनोगे। बस फनकारों को समझना है, उनका दिल रखना है, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो फनकार कैसे गा सकते हैं। अल्लाह छरक के बहुत अच्छा चला रहे हैं, ये मेरे सरकार कमली वाले बाबा का सदका आपको, लीजिए मेरी तरफ से लीजिएगा, अल्लाह छ रखे। कि टूट कर मैंने कि जिंदगी जिंदगी के हसीन दर्पण में रहा करता है, जिंदगी के हसी दर्पण में रहा करता है, कभी घर में कभी आंगन में रहा करता है, कभी घर में कभी आंगन में रहा करता है, मुझसे कतरा के गुजर जाता है खामोशी से, जो मेरे दिल के नशे मन में रहा करता है। ऐसा लगता है अब मेरे दिल को दिल कहीं और लगाना पड़ेगा। सुनो दम मेरा ना कहीं खुशबू है और ना मौसम मेरा
गम मेरी राह में फूलों की तरह रखता है। अरे जनाब आप कहाँ हैं? बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई, कुछ लेकर आए हो क्या? अच्छा ये दुकान चलाने का सौदा तो नहीं है ना? मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कुछ मामला गड़बड़ है। आजकल ये नोटबंदी जो हुई थी 3 साल पहले, उसने मुझे भी कड़का कर दिया है, इसलिए मैं बड़ी सोच समझ कर जरा नजरें उठाता हूँ कि मुझे क्या करना है। फिर भी मैं पढ़ूंगा आपका शेर, आप बेफिक्र रहिएगा, हो सकता है कि कुछ भला हो जाए किसी का, है ना? देखते हैं देखते हैं। पहले ये कि अब तो तन्हाई में घुटता है सुनो दम मेरा, ना कोई खुशबू है मेरी और ना मौसम मेरा, गम मेरी राह में फूलों की तरह रखता है, बेवफाई पे उतर आया है हम दम मेरा। तुम ही बतलाओ आंखों में कब तक आंसुओं को छुपाना पड़ेगा। इमाम साहब का शेर पढ़ दें, इन्हें इमाम बना दें, हम मुक्तदी बन जाएं, कोई बात नहीं, आप सफे बांध लीजिएगा, इन्हें आगे खड़े कर देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, वो देखिए मजहर इमाम लिखा हुआ इनके नाम के साथ साथ, मैं इनके नाम को यूज कर रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हैं, जरा देखिएगा, शेर सुने। साथ मेरा न तुम छोड़ देना, साथ मेरा न तुम छोड़ देना, साथ मेरा न तुम छोड़ देना, चलते चलते कहीं जिंदगी में, क्या है वो अंदर का मुझे पता नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे एक नात शरीफ लिख के दी थी, बहुत हसीन नात थी, या रब दरे हबीब पे जाना नसीब हो तो ना आना नसीब हो, बहुत अच्छी थी, और 2-3 गजलें भी दी थी इन्होंने मुझे, जहां मैंने गुजरात में या महाराष्ट्र में पढ़ी, लोगों ने बड़ी पसंद की है, हाँ बहुत पसंद की है। अंदर का मामला क्या है वो मुझे पता नहीं है, वो तो आप जानते हैं, आप इनके नजदीक हैं, मैं इनके इतना नजदीक नहीं हूं। सुन लीजिए जरा, सुने जरा, जिंदगी में बोझ देखो है ये जिंदगी का, हमको मिलकर उठाना पड़ेगा। अच्छा इस गजल का आखिरी शेर पढ़ लेता हूं, क्योंकि मेरे भाई की एक तमन्ना है, एक गजल है, वो ये कह रहे हैं कि वो गजल जरूर सुना दो, तो इसे मैं रोक कर वो गजल पढ़ लेता हूं। मैं अपने फनकार भाइयों से थोड़ा सा इजाजत चाहूंगा, अगर वो खुशी खर्रम मुझे इजाजत देंगे तो मैं इसका आखिरी शेर पढ़ देता हूँ,
और इसके बाद में गजल पढ़ देता हूँ भाई, आप लोगों की इजाजत है, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। असल में क्या है, ये लोग जो हैं इस शहर के मानी हुई हस्ती हैं, इन सब का दिल रखना पड़ता है, आपको भी रखना पड़ेगा, मुझे भी रखना पड़ेगा, और आप समझते हैं वजह यह है इतनी जो मैं जल्दी मचा रहा हूँ कि आप तो मेरे बाद एक बहुत अच्छा सा टन गा ही लेंगे, लेकिन थोड़ा मेरा फ्लाइट का टाइम होगा तो मैं वो गजल गा के अगर ये इजाजत देंगे मुझे खुशी खुशी तो मैं रवाना हो जाऊंगा। तो ये सुन लीजिएगा, आखिरी शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद में जो उनकी तमन्ना है वो गजल पूरी कर देता हूँ। के अपनी यादों की पाओ में मेरे, अपनी यादों की पाओ में मेरे बेड़ी क्यों आप पहना रहे हो, अपने बच्चों की रोटी कमाने मुझको परदेश जाना पड़े।